अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेवाड़ी जिले में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। खास तौर पर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे पुलिस और जिला पुलिस की तरफ से आज रेवाड़ी जंक्शन पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे कि संदेश दिया जा सके कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरपीएफ के डीआईजी राजीव कुमार यादव रेवाड़ी पहुंचे, जिनका कहना है कि उन्होंने जिला पुलिस से सहायता लेकर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया हुआ है। इसके अलावा छोटे स्टेशनों पर भी पुलिस बल तैनात कर निगरानी रखी हुई है। वहीं आज बंद की बात करें तो रेवाड़ी पूरी तरह से चालू है। हालांकि किसान संगठन ने रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर गंगाचा टोल को बंद करने का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान की सीमा में विरोध प्रदर्शन होने की सूचना पर रेवाड़ी पुलिस ने राजस्थान सीमा के नाकों पर पुलिस फोर्स तैनात की हुई है। रेवाड़ी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना सबका हक है, अगर कोई हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी जिले की एक पुलिस बटालियन रेवाड़ी जंक्शन पर तैनात है और एक बटालियन दूसरे जिले से रेवाड़ी बुलाई गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जा सके। निगरानी रखी जा रही है और हम लोगों ने जिला पुलिस की भी सहायता ली है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और ये चौकसी लगातार रहेगी। कितने जवान अपने सुरक्षा में लगाए हुए हैं? जिला पुलिस ने हम लोगों को 75 लोग दिए हैं और हमारी तरफ से भी लगभग 80 लोग हैं, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यालय जयपुर से मैं आया हूँ और साथ में कुछ रेल अफसर भी आए हुए हैं। हमारा प्रयास यही है कि स्टेशनों पे विशेष चौकसी रहे। सर, रेवाड़ी के अलावा भी देख रहे हैं कि कई जगह पे रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो किस तरह से रेलवे स्टेशन के अलावा भी जो आपकी लाइन है वो वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई? जयपुर से जिला पुलिस से हम लोगों ने सहायता मांगी हुई है और हम लोगों को हर तरह की सहायता प्राप्त हो रही है और ट्रैकों पर स्टेशनों पर विशेष निगरानी है। सर, रेवाड़ी स्टेशन के अलावा भी कहीं इस तरह के प्रबंध किए हैं, जैसे बाउल की बात कर लें, आसपास लगते हुए स्टेशन? हर छोटे स्टेशनों पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट है और जो हमारे वहाँ पे जो अधिकारी या बल सदस्य वहाँ तैनात हैं वो जिला पुलिस से तालमेल में हैं और उनको अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होगी तो हम लोग जिला पुलिस के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। सर, रेलवे जंक्शन सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, आखिर क्या कारण लगता है कि सॉफ्ट टारगेट क्यों होता है? नहीं, ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है, ये आम यात्रियों के लिए है और रेल की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। मैं आप लोगों के माध्यम से फुल एक अपील करूंगा, आप लोग इसमें सहयोग दें और जिससे हमारी अच्छी व्यवस्थाएं रहें। जैसा कि आप जानते हैं, जो अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है उसी को देखते हुए रेवाड़ी ज़िले में जो है सुरक्षा के व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं और इसीलिए रेलवे स्टेशन पर भी जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक कंपनी को रेलवे स्टेशन पर ही परमानेंटली अभी तक जो है स्टेशन किया गया, ताकि किसी प्रकार के भी प्रदर्शन में जो है अशांति या हिंसा जो है ना हो सके। उसके अलावा सर, जिले की जैसे टोल पे कह रहे टोल फ्री कराएंगे, राजस्थान की सीमा में भी जाम होने की सूचना, जैसे अपना यहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट किया होगा, तो किस तरह के और इंतजाम है उसके लिए? हमने राजस्थान की सीमा के साथ लगते हुए नाकों पर भी जो है पुलिस बल तैनात किया हुआ है, नाके लगाए हुए हैं, ताकि किसी प्रकार का भी जो है वहाँ से व्यवधान ट्रैफिक में या फिर हाईवे की जो व्यवस्था है उसमें पैदा ना हो। और उसके साथ साथ जो टोल को फ्री कराने की बात है वहाँ पर भी पुलिस बल हमने तैनात किया हुआ है और जब तक कि शांतिपूर्ण कोई प्रदर्शन करता है हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हिंसा या अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी उनके खिलाफ जो कड़ी कानूनी कार्रवाई की। सर, जिस तरह से युवाओं के लोग लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या और भी कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल बाहर से बुलाया गया है उस तरह को लेकर? जी हाँ, अभी हमारे जो रेवाड़ी ज़िले में एक कंपनी बाहर से पुलिस बल की तैनात की गई है, ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और उपद्रवी जो भी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कानून।